सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार। सभी भाइयों का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। आज की एक और वीडियो हम लेके आ रहे हैं मिच्चू डेयरी फार्म से। शानदार क्वालिटी की भैंसें, जितनी बार भी हमने इनके फार्म पे वीडियो बनाई है, जितनी बार की भी इनकी इनके हमने भैंसें दिखाई हैं, सारी की सारी भैंसें बहुत शानदार क्वालिटी की हमें देखने को मिली हैं। आज की इस वीडियो में भी आप देख पाएंगे बहुत शानदार क्वालिटी की भैंसें, जो कि मिच्चू डेयरी फार्म मिंगणी खेड़ा से हम ये वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। गांव का नाम बता रहा था मैं, मिंगणी खेड़ा, ज़िला हिसार, और हिसार से जो बगला रोड है उस रोड के ऊपर ये गांव है। जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं, लगभग मैं कहूँगा सारे के सारे भाई आज की डेट में मिंगणी खेड़ा को जानते हैं। बहुत बड़ा नाम मिंगणी खेड़ा गाँव का हो चुका है पशुओं के बिक्री के काम को लेकर। सारी भैंसों की जानकारी लेंगे, डिटेल से जानकारी भाई साहब से लेंगे, हमारे साथ मोनू भाई हैं। और एक बात और, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, जो भाई वीडियो देख रहे हैं वीडियो को मैं कहूँगा लाइक करें, नहीं ठोक दें लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक करें ताकि यहाँ भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। तो भाई मोनू, आज कितनी भैंसे दिखाओगे? आज 11-12 भैंसे हैं, एक दो गायें हैं। 11-12 भैंस, एक दो गायें। तो ये सारी बिकी हुई हैं या बिकने वाली हैं? बिकने वाली भी हैं और बिकी हुई भी हैं। तो जो बिकी हुई है वो कहाँ जा रही हैं बिके? ये कोल्हापुर जा रही है, महाराष्ट्र में। अच्छा, कोई पुराने ग्राहक है अपने या नए ग्राहक है? नए ग्राहक है। अच्छा, नए हमारी वीडियो से ही आए हैं या कोई और रेफरेंस से आए हैं भाई? आपकी वीडियो से भी और वैसे भी हमको पुराने जानते थे, क्योंकि पहले आजू बाजू में भैंस दी हुई है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो भैंसे खोल के दिखाना शुरू करेंगे। मोनू भाई खुद अभी संभाल रहे हैं, और मैंने पीछे भी बताया था इनके फादर साहब जो है हार्ट की समस्या के कारण जब लॉकडाउन था उस टाइम मैं कहूँगा एक्सपायर हो गए थे, गुजर गए थे। तो मोनू भाई आजकल संभाल रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भैंस के बारे में बताओ भाई साहब। ये भाई साहब बिकने वाली है। हाँ हाँ, तो सरदार जी इसका दूध निकाल के गए हैं। हाँ, शाम को फिर दूध निकालेंगे। हाँ हाँ, अभी बोले में है, खीस में। हाँ हाँ, और सुबह निकाल के गए हैं, शाम को फिर निकालेंगे। अच्छा, शाम को ठंड मिलाएंगे। ठीक है, कटड़ी है। ठीक है ठीक है। कितने की बेची है जी ये भाई साहब? अभी नहीं बता सकते। ठीक है ठीक है। हाँ, वैसे कितना दूध निकाल देगी भाई साहब? ये पहले ब्यात में इसने 16-17 लीटर निकाला, अभी दूसरे ब्यात में भाई साहब। दूसरे ब्यात में, सुबह बोले से खाली हो चुकी है। ये वीडियो हम लगभग 8:30 के आसपास बना रहे हैं, बताना चाहूँगा भाइयों को। इससे आगे देखिए एक और जोटी जो कि बहुत ही साफ सुथरी दिखाई दे रही है, इसके बारे में बताओ भाई। ये पहले ब्यात में है। हाँ हाँ, और अभी 12-13 लीटर दूध तैयार है, नीचे कटड़ी है। हाँ हाँ, और कम से कम भी 16-17 लीटर आराम से दूध दे देगी। हाँ हाँ, चार दांत जोटी है मुझसे। ठीक है, चार दांत जोटी है। ठीक है। हाँ, तो पहले ब्यात की है? पहले ब्यात की है। अभी कितना दूध दे रही है? अभी 12-13 लीटर है आराम से। ठीक है ठीक है, बहुत शानदार जोटी है भाई। पहले चार पाँच दिन की ब्याई है, 12 लीटर से यानी आराम से दे देगी 16-17 लीटर। तो ठीक है ठीक है, चार दांत रोटी बहुत ही शानदार। देखिए कि ये बेच रखी है भाई? बेच रखी है, कोल्हापुर जाएगी भाई साहब। कोल्हापुर कितने की दी है? 1,10,000 रुपए की। 1,10,000 रुपए की, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। जितना भी कहें रोटी के बारे में उतना कम, बहुत ही बेहतरीन। इससे आगे फिर देखेंगे एक दूसरे ब्यात है। हाँ हाँ, कोल्हापुर जाएगी। अच्छा, ये 1,05,000 रुपए में दिए भाई साहब। 1,05,000 रुपए में दी है, ये भी कोल्हापुर जाएगी। कितना दूध निकालेगी भाई? अभी 14-15 लीटर दूध तैयार है इसमें। अच्छा। हाँ, 6 दांत मुझसे है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रेट भी बहुत अच्छे और जोटी भी बहुत ही शानदार। ये देखिए, मात्र 1,05,000 रुपए में दूसरे ब्यात की जोटी, मैं कहूँगा देखने लायक है। कहाँ से पशु भाई निकाल के लाते हैं, इतने जायज रेट में कैसे बेचते हैं वो यही जाने। ये देखिए नीचे से अडर बहुत ही बढ़िया। देखिए थनों का साइज, अडर की क्वालिटी बहुत ही शानदार है। इससे आगे फिर एक और जोटी देखेंगे। ये कारण है यहाँ पे जो ज़्यादा बिक्री है उसका, कि यहाँ के जो हमारे भाई हैं वो बिल्कुल रीजनेबल रेटों में पशु अपने ग्राहकों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये वाली जोटी भाई 95,000 में दिए भाई साहब, दूसरे ब्यात की जोटी है। हाँ हाँ, 95,000 की। ठीक है,
मोनू भाई ऐसा तो खाली होती है। मोनू भाई ऐसा तो नहीं है कि आप बेच कुछ और रहे हो और रेट कुछ और बता रहे हो? नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, ग्राहक आके खरीद के लेके जाते हैं। ऐसा अच्छा। कुछ होता तो ग्राहक आते ही नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल, यदि गलत अगले को माल प्रोवाइड करते तो बहुत सारे भाई ये बात बोल देते हैं, जो अपने खिलाफ जो बोलते हैं ना वो बोल देते हैं। ये बात उनका तो काम है, उनको तो स्वाद लेने होते हैं फ्री फंड के। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, मैं वीडियो बता रहा था आपको, लगभग 8:30 के आसपास वीडियो बना रहे हैं और साफ सुथरे अड्डर की बहुत अच्छी क्वालिटी की भैंसे मोनू भाई के यहाँ पे हैं। एक बात और बताना चाहूँगा भाइयों को, बहुत सारे भाई बोल देते हैं भैंस थनों पे उतरी हुई है, तो मैं बताना चाहूँगा लगभग मेरे को पहुँचना चाहिए था या 6:30-6 बजे, लेकिन मैं खुद 8:30 बजे पहुँचा हूँ। और जो गर्मी का टाइम है, दूध वाली भैंसे थनों पर आ जाती हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। बाकी अगर थनों पे आ भी गई तो जो भाई पशु ले रहे हैं, चाहे कहीं से भी खरीद दें, 2 टाइम दूध निकाल के ले, हम बार बार ये बात कहते हैं। ये वाली चोटी बताओ भाई, पहले ब्यात में भाई साहब, ये भी पहले ब्यात की है, ये कितना दूध दे रही है? ये इसमें अभी 11-12 लीटर दूध है। ठीक है, और क्या कीमत की बेची है ये? 1 लाख रुपए की दी भाई साहब। एक इसके थोड़ी सी एक पांचवा थन भी है शायद? ना वो ऐसे ही भाई साहब। अच्छा अच्छा, ऐसी बनावटी ऐसी है। ठीक है, ले आओ भाई, बहुत ही शानदार ऊंचाई की जोटी, देखिए पहले ब्यात की, दो दांत मुझे भाई, बहुत ही बेहतरीन। जितनी बार भी हम महावीर जी जब वीडियो बनवाते थे, जो भैंसे उनके पास इतनी बड़ी बड़ी अच्छी क्वालिटी की भैंसे होती थी, और उसी क्वालिटी की भैंसे मोनू भाई भी अपने ग्राहकों को देते हुए, कभी भी कोई कमज़ोर गाड़ी इनके यहाँ से लोड होती, कमज़ोर पशुओं की गाड़ी लोड होते हुए हमने नहीं देखी है। और ये फ़र्क है अपनी क्वालिटी मेंटेन करना, अपने फार्म का नाम रखना, कि अच्छी भैंसे ही प्रोवाइड करवाते हैं अपने ग्राहकों को। आगे वाली भाई साहब, पहले ब्यात की है। हाँ, और इसमें अभी 11-12 इसमें दूध तैयार है भाई साहब। ठीक है, ये कितने की बेची है? ये 98,000 रुपए की थी भाई। 98,000 की, देखिए बहुत ही बढ़िया। ये भी ठीक है, 4 दांत है। ठीक है, 4 दांत है, कटड़ी है, रेट बहुत ही रिजनेबल। बहुत बड़े बड़े साइज की भैंसे देखिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। और कालिया जो है सामने आप देख पा रहे हैं, ये भी 13 साल का था उस टाइम से, इसी फार्म पे है, एक किस्म से घर के सदस्यों से भी बढ़ के। और मुंह से बोलने के तो बहुत बड़ी बात होता है, करने में बहुत बड़ी बात होता है। हाँ, और मैं कहता हूँ आपको बताना चाहूँगा, ये कह सकते हैं कि चौधरी है इस डेयरी का, यही संभालता है सारा काम, पशु लेना पास करना बेच भी यही देता है। आगे वाली मोनू भाई, ये दूसरे पे आता है। अच्छा, और ये 88,000 की दी है केवल? 88,000 की, ठीक है, दिखने दो इसको, 88,000 रुपये की दी है दूसरे ब्यात की। ये भी बढ़िया, माथे में थोड़े से वाइट बाल हैं, देखिए साफ सुथरे अड्डर की, साफ सुथरी भैंस। और जितनी भी वीडियो हम इसी एरिए से बनाते हैं, कोई भी भैंस आपको कलर में फीकी नहीं मिलेगी, सभी भैंसों का काला रंग बढ़िया। उसका कारण यहाँ के किसान भाई पेड़ की छाँव में बाहर बांधते हैं पशु, काफ़ी ज़्यादा मेहनत पशुपालन के काम पर हरियाणा के किसान भाई इस एरिए के करते हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि यहाँ इस एरिए में जो है भैंसे, मैं कहूँगा कि जो भैंसे हैं वो पशुपालन का काम ज़्यादा है, खेती बाड़ी का कम। आगे वाली भाई, ये तीसरे ब्यात में भाई। हाँ, और इसमें 15 लीटर अभी दूध तैयार है, तीसरे ब्यात में है, 15 लीटर दूध तैयार है। कितने की दी है ये? ये केवल 90,000 रुपये की दी है। 90,000 रुपये की, ठीक है। ये देखिए थोड़े बड़े सिंगों की, ये तो पहले शायद अपनी किसी वीडियो में आई हुई है भैंस शायद। हाँ, तो ये भाई से ली है। अच्छा, हाँ। जिसका 85,000 रुपये रेट बताया था उन्होंने, तो 85 की लेके 90 की दी है, ये कह सकते हैं? 90 की ली थी भाई साहब, 90 की दी है। अच्छा। दो तीन जगह भैंस बिक चुकी है तो मुनाफा तो देना ही पड़ता है। बिल्कुल। ये देखिए थोड़े बड़े सिंगों की, साफ सुथरे अड्डर की, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की भैंस, नीचे की बहुत ही साफ सुथरी है। ये देखिए इससे आगे एक और जोटी, नीचे की साफ सुथरी, थोड़े से खुले सिंगों की, ये वाली बताओ भाई। ये दूसरे ब्यात में ही है। दूसरे ब्यात में, ये कितना दूध दे रही है? ये अभी इसमें 13 लीटर दूध है भाई। 13 लीटर, ये कितने की दी है जी? ये 89,000 रुपए की दी है। 89,000 रुपए की दी है दूसरे ब्यात की, बहुत ही बढ़िया। और मेरे ख्याल से ये वैसे जहाँ जा रही है वहाँ पे भी मेरे ख्याल से 12, 13, 14, 15 किलो दूध से कम नहीं रहेंगी। फुल साइज की भैंसे हैं, गाड़ी में जाने के बाद पशु परेशान हो जाते हैं, दूध कम देना शुरू करते हैं, लेकिन जितनी अच्छी क्वालिटी की भैंसे होंगी वो उतना अच्छा परफॉर्म करेंगी। ये बिक्री के लिए उपलब्ध है भाई साहब। ठीक है, दो दांत है मुझे, और अभी 10 लीटर दूध है इसमें।
इसकी कीमत क्या रखी है? इसकी कीमत 85,000 रुपए रखी है सिर्फ। अच्छा, 85,000 रुपए। 10 लीटर दूध, पहले ब्यांत की जोटी, दो दांत बताई? दो दांत मुझे। बहुत ही साफ सुथरी है, पैरों के बीच बीच का आर्डर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और जिस हिसाब से बॉडी स्ट्रक्चर है, सींगों की क्वालिटी है, उस हिसाब से 85,000 रुपये रेट बहुत ही रीजनेबल है। और 10-12 किलो दूध पहले ब्यांत की कटड़ी निकाल देती है तो बहुत होता है। 12 किलो दूध आराम से देगी और रेट उस हिसाब से बहुत ही रीजनेबल। ये वाली भैंस भाई, ये दूसरे ब्यांत भाई साहब। अच्छा, ये बेचनी है? नहीं नहीं, ये बिकी हुई है, कोल्हापुर जाएगी। ये कितने की दी है? ये हमने 90,000 रुपए की दी है। 90,000 रुपए की दी है। बहुत ही सुंदर भैंस है, देखिए ये भी 90,000 रुपए की दी है और कोल्हापुर जा रही है। इसमें 14 लीटर भी दूध तैयार है। ठीक है ठीक है, बहुत ही बढ़िया। 90,000 का रेट बहुत ही रीजनेबल। ये देखिए, मान गए भाई, सारे पशु बहुत ही शानदार, बहुत ही साफ सुथरे, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी मोनू भाई ने जो रखी है, और क्वालिटी के हिसाब से रेट मैं कहूँगा बहुत ही रीजनेबल। और बहुत अच्छी बात है, युवा पशुपालक हैं, युवा किसान भाई हैं, और अच्छा परफॉर्म करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ये वाली भाई, ये तीसरे ब्यात में, ठीक है। और ये 80,000 रुपये की दी भाई साहब। अच्छा, ये भी वहीं जाएगी? हाँ, ये भी वहीं जाएगी। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। सारी भैंसों के रेट बहुत ही रीजनेबल और क्वालिटी देखिए सभी भैंसों की बहुत ही बढ़िया है। इससे आगे वाली भाई गाय, ये गाय है, ये बेचनी है भाई साहब। अच्छा, ये 35,000 रुपए की बेचनी है। हाँ हाँ, देख सकते हैं, अपने पास गाय अपने फार्म पे ऐसे अवेलेबल रहती है। अच्छा, हर टाइम रहती हैं? हर टाइम। ठीक है ठीक है, 35,000 रुपए की बेचनी है, बहुत ही बढ़िया। नीचे बछड़ी है। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार। इससे आगे फिर एक और साहिवाल देखिए, ये वाली भाई, ये 30,000 रुपए की देनी है। 30,000 की देनी है। दूध कितना है इसमें? दूध इसमें 10-11 लीटर है। 10-11 लीटर। और इस वाली गाय में कितना दूध है? इसमें अभी खीस से खाली होती है, 8-9 लीटर इसमें खीस। अच्छा, से खाली हुई है। ये बछड़ी है इसके नीचे। दोनों की कीमत 30,000 रुपए है? नहीं, 35, इसका 35 और इसका 30। ठीक है, ये भी बहुत ही साफ सुथरी है। और ये बछड़ी नहीं है, ये घर की बछड़ी है। अच्छा अच्छा, ये बछड़ी, ये ब्रीड तैयार की हुई है, गिर की? गिर की, गिर साहिवाल है शायद। हाँ, प्योर गिर तो नहीं होगी? नहीं नहीं, प्योर गिर नहीं है, वो साहिवाल में मिक्स है। हाँ, गिर और साहिवाल मिक्स। ठीक है ठीक है, ये अपने घर की है। ये अपने घर की है। ठीक है ठीक है, बहुत ही सुंदर बछिया, बहुत ही सुंदर बछिया। ये देखिए, तो ये वीडियो देखिए, गाय बहुत ही रीजनेबल रेटों की भाई साहब के पास रेगुलर उपलब्ध रहती हैं। जो भाई लेना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं। और जो भाई वीडियो देख रहे हैं, जरूर पूछना चाहूँगा, आज की वीडियो हम, जो मोनू भाई ने रेट हमें बताए, जो दूध बताया, उस हिसाब से कैसी क्वालिटी लगी पशुओं की। जितने भी भाई हमारे साथ एंड तक बने रहे, सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भाई मिच्चू डेयरी फार्म मिंगनी खेड़ा से पशु लेना चाहते हैं, इनके कॉन्टैक्ट नंबर नीचे स्क्रीन में चल रहे हैं, आप पूछ सकते हैं सभी भैंसों के बारे में। और रेगुलर अपने ग्राहकों को बहुत ही शानदार, मैं तो कहूँगा एक किस्म से आज बड़ा अच्छा लगा वीडियो बना के, जिस हिसाब की क्वालिटी है भैंसों की और जिस हिसाब के रेट हैं। सभी भाई जितने भी हमारे साथ एंड तक बने रहे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।